गंभीर समस्या है देश के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, सामाजिकता के लिए और धर्म के लिए। ये मानवीय मूल्यों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इस समय एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो याचिका न समाज के हित में है, न धर्म के हित में है, न मानवता के लिए हित में है, न मानवीय मूल्यों पर कहीं भी उभरा उतरने वाला है। और जो आज होने जा रहा है, ये युग बदलता गया, सदियां बदलती गई, परिवर्तन होता गया, राक्षसों का भी युग आया, अराजकता बड़ी समाज में, बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव आए, लेकिन ऐसा उतार चढ़ाव जो इस समय हमारे भारत देश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कृत्य होने जा रहा है, वो कभी नहीं देखा सुना गया। हमने सुना है कि घोर असुरों ने भी इस पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन इतना नीचे गिर करके उन्होंने काम नहीं किया जितना आज होने वाला है। इसके लिए बड़ी मन में वेदना है, और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, जान ले रहे हैं, वो लोग भी बड़े कष्ट में हैं, त्रसित हैं। ये बात मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें समलैंगिकता के लिए पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, स्त्री स्त्री से विवाह करेगा, जो समाज को बौखला कर देगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा, ध्वस्त कर देगा। और इसी के लिए आज हम आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई जाए, ये याचिका खारिज की जाए, कहीं से भी सुनने योग्य नहीं है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे कानूनों को अपना करके मानवता को हाशिए पर रख दिया है, जैसे एक लिव एनिलेशन, ऐसा कभी नहीं होता रहा, किसी भी समय में, किसी भी युग में नहीं हुआ कि लिव एनिलेशन, शादी से पहले कोई जा करके ना रहने लग जाए, शादी का महत्व तो पहले खत्म कर दिया। इसके बाद में अब पुरुष और पुरुष विवाह करेंगे। हमारे सनातन धर्म में, सभी धर्म में लिखा हुआ है कि कुंभ नाम के नरक से बचने के लिए पिता जब पुत्र पैदा करता है, तब जो है वो अपने पुत्र कर्म से उपराम हो जाता है। तीन प्रकार के मनुष्य ऊपर ऋण होते हैं, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। तो पितृ ऋण जब ही समाप्त होता है जब पुत्र पैदा हो, अपन पुरुष पुरुष विवाह करेंगे तो उसमें पुत्र कहाँ से पैदा होगा, तो कोई पितृ ऋण से ऋण ही नहीं होगा, और ऋण न होने से ऋणी होकर के मरते मरते संसार सृष्टि संबंध नष्ट हो जाएगी।